हरियाणा में बीजेपी जेजेपी सरकार के गठन के साथ ही रोडवेज कर्मचारी आंदोलन की राह पर चल निकले हैं। 20 नवंबर को हरियाणा रोडवेज कर्मचारी अपनी मांगों के समर्थन में जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन करेंगे। यह जानकारी हरियाणा रोडवेज कर्मचारी यूनियन के नेता जसबीर सिंह ने कैथल में दी। हरियाणा रोडवेज वर्कर यूनियन संबंधित सर्व कर्मचारी संघ एवं ऑल इंडिया रोड ट्रांसपोर्ट वर्कर फेडरेशन के आह्वान के ऊपर कल जो है 20 तारीख को पूरे हरियाणा के अंदर सभी डिस्ट्रिक्टों के अंदर प्रदर्शन होंगे। जसबीर सिंह ने हरियाणा रोडवेज कर्मचारियों की हड़ताल के तीन बड़े कारण बताए। इनमें मानेसर के होंडा प्लांट में कर्मचारियों की छटनी, जेएनयू के छात्रों का दमन और तेलंगाना सरकार की हठधर्मिता प्रमुख है। हड़ताल का आह्वान ऑल इंडिया रोड ट्रांसपोर्ट वर्कर फेडरेशन ने किया है। जो जेजेपी का गठबंधन है और जेजेपी ने लगातार एक बात कही थी कि हम हरियाणा के 75% युवाओं को आरक्षण देकर यहाँ नौकरी देंगे, लेकिन होंडा के अंदर, होंडा कंपनी के अंदर कम से कम 3000 का करीब कर्मचारी जो है वहाँ बाहर बैठे हुए हैं, वो सारे हरियाणा के हैं, उनको नौकरी दी जाए, उनको अंदर तो आया जाए, लेकिन उसके बावजूद भी हम जेएनयू के छात्रों का भी समर्थन करते हैं, क्योंकि सिर्फ 20 बढ़ोतरी का ही विरोध कर रहे हैं, ना कि और किसी चीज़ का। इसलिए हरियाणा रोडवेज वर्कर यूनियन संबंधित सर्व कर्मचारी संघ जेएनयू के छात्रों का भी समर्थन करता है। तीसरी बात, आज तेलंगाना सरकार ने लगातार जो है 1.5 महीने से हड़ताल चल रही है और 1.5 महीने के अंदर सरकार ने अभी तक बातचीत नहीं करी, जबकि सुप्रीम कोर्ट का भी आह्वान हो चुका है कि इनसे बातचीत करिए, इनका जो बकाया है वो दिया जाए, लेकिन सरकार ने ना बातचीत करी और ना ही जो उनका पेंडिंग था वो दिए की कोशिश करी है। और दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। हरियाणा रोडवेज कर्मचारियों की मांगों के संबंध में 2 शब्द भी कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा दें ताकि हमारे हर एक नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।